नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ, तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज मैं क्या बनाऊँगी। आज मैं प्रेशर कुकर में मटर पुलाव बना के आपको दिखाऊँगी कि प्रेशर कुकर में कितनी जल्दी मटर पुलाव बन जाता है और बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए देख लेते हैं कि मटर पुलाव में प्रेशर कुकर में किस तरीके से बनाती हूँ। मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर को हल्का सा गर्म कर लिया है, बहुत ही लो फ्लेम में मैं इसको पकाऊंगी, नहीं तो घी जो है वो जल जाएगा। इसलिए मैंने एकदम लो फ्लेम में 4 से 5 टीस्पून इसमें घी ऐड कर लिया है। जैसे ये थोड़ा हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा गर्म हो, उसके बाद हम इसमें इलायची, दालचीनी और लौंग जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करके इसको हल्का सा इसको भूनने देंगे। जैसे ये थोड़ा सा हल्का सा भुन जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा, जैसे ही ये भुनना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद हमने यहाँ पर एक प्याज को बारीक कट कर लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको प्याज नहीं ऐड करना है तो भी आप इसमें प्याज नहीं ऐड कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हो। थोड़ा सा हम प्याज को भून लेंगे जिससे कि प्याज जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हमने इसमें गार्लिक, जो हमने अदरक को चॉप्ड करके रखा था अलग से, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। करने के बाद बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा भून लेना है हमको। 2-3 मिनट के लिए इसे हम हल्के तरीके से भून लेंगे मसाले को। उसके बाद हम इसमें मटर, मेरे पहले से उबले नहीं हुए नहीं है, ये कच्चे मटर ही मैंने इसमें ऐड किए हैं, मटर को मैं अब इसमें ऐड करूँगी। ऐड करके इसे थोड़ा सा भून लूँगी। एकदम लो फ्लेम में इसको आपको बनाना है, हाई फ्लेम बिल्कुल मत कीजिएगा। अब इसे थोड़े अच्छे से चला लूँगी, करीबन 5 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम में मैं इसे थोड़ी सी भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी काजू, जो कि मैंने पहले से फ्राई नहीं किए हुए हैं, इसी में मैं इसमें डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ। थोड़े से काजू के साथ मैं मटर को फ्राई कर लूँगी अच्छे तरीके से। मटर फ्राई करते करते एक अच्छा सा एक फ्लेवर आने लगेगा इसमें, एक स्मेल, अच्छी से स्मेल आने लगेगी और रॉ स्मेल जो है वो दूर हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पर 1 घंटे के लिए करीबन बासमती राइस को भिगो के रखा हुआ था, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। आप जितना चावल को भिगोगे उतना ही ये बढ़िया चावल जो है वो अच्छा बनता है, इसलिए हम इसको 1 घंटे के लिए पानी में हमने इसको सोक करके रखा था, उसके बाद हम इसको ऐड कर रहे हैं। करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए इसे हम और अच्छे तरीके से चावल के साथ भून लेंगे। थोड़ा सा लो फ्लेम में ही करना है आपको, थोड़ा सा हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आपको ये ख्याल रखना है, आप जिस बोल में या फिर जिस कप में आप मेजरमेंट कर रहे हो, 1 कप अगर आप चावल देते हो तो 1.5 कप आपको पानी ऐड करना है। अब उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा। पानी ऐड करने के बाद हम इसका ढक्कन लगा देंगे और एक ही विसल हम इसमें देंगे। बस जैसे ही एक विसल होता है हम इसको उतार लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। देखिए, एक विसल हो चुका है, मैंने यहाँ पर गैस को ऑफ कर दिया है। अब ठंडा होने तक, जैसे ये पूरा अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप इसको सर्व कीजिए। देखिए, मटर पुलाव जो है बन के बिल्कुल रेडी है। आज का वीडियो बस यहीं तक।